प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो, एंड सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज बेल आइकन को जरूर करना ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको सबसे पहले मिल जाए। सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लेते हैं। तो यार ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, एंड अभी हम जा रहे हैं एक हवेली, जो हवेली पड़ती है शायद नकोदर की तरफ, कपूरथले से काफ़ी आगे है, एंड वहाँ वो हवेली जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी है, एंड वहाँ पे जेल वगैरह बने हुए। तो मैं काफ़ी टाइम पहले गया था, मीन्स की 2016 के आसपास मैं गया था, एंड अब जा रहा हूँ, तो अब देखते हैं वहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एंड देखते हैं कैसी हवेली है, और चलते हैं अभी कुछ सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह लेते हैं, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फाइनली हम इस फोर्ट पे आ चुके हैं जो कि काफ़ी पिंड के अंदर जाके पड़ता है, एंड अभी जा रहे हैं, एंड एक और रास्ता उधर से, बट वो रास्ता है ना वहाँ बीच में एक गंदा सा नाला पड़ जाता है जो कि काफ़ी बड़ा सा है। फाइनली हम जो ये फोर्ट वहाँ पे आ चुके हैं, ये एक राजा का है, एंड ये जेल भी थी काफ़ी पहले, एंड ये जो फोर्ट है ना यार, ये जो हवेली है काफ़ी पिंड मीन्स की गाँव के इलाके में, पिंड जैसे इलाके में काफ़ी अंदर आ गए हैं, एंड अगर आप आ रहे हो, अगर उस वो रोड शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो उस रोड है वहाँ से आपने इधर कट लेना है, एंड काफ़ी दूर में है ये, एक आगे से भी रास्ता है बट वहाँ पे एक गंदा सा नाला पड़ जाता है जो कि यार ये बस पुल से बनाया हुआ, बस एक स्कूटरी जा सकती है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ फिर सीधे नाले में, तो वहाँ पे मैं आपको लेके जाके दिखाऊंगा। एंड अभी ये फोर्ट है यहाँ पे, मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, बैक कैमरे से भी फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, तो धूप भी काफ़ी अच्छे से मिल जा रही है, एंड अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये फोर्ट, ये जो हवेली है। पुरानी है, एंड ये जेल इसमें कुछ कैदी वगैरह रहते होंगे, एंड अभी का पता नहीं अभी कैदी रहते हैं फिर नहीं, अभी अब तो शायद मैं अभी दिखाता हूँ आपको घूम के, ये सारा पूरा जो आसपास है ना चारों तरफ जेल ही जेल है, एंड ये भी जेल है, देख सकते किस टाइप का जेल है, कैदी भाग भी सकता था कुछ अगर तगड़ा, सो यू नो मैं आपको यार अंदर से दिखाता हूँ अंदर असल में कैसा सिस्टम है। तो गैस ये जो किला है, किले के अंदर जो जेल है, ये मुगलों के काफ़ी पुरानी है, मीन्स की जब मुगलों का जमाना होता था, मीन्स की अभी तो जो जेल वगैरह बनी है आप देख सकते हो, ये जो मॉडर्न जेल होगी आजकल, ये बहुत ही पुरानी जेल है, मीन्स इसमें कैदी को छोड़ दिया जाता, तो वो बस ये बढ़ता रहता था, अभी ये नहीं पता इसमें मरे कितने लोग, इसमें डेथ बहुत ज़्यादा हुई होगी, एंड कितने सारे जेल है यार, मरे तो होंगे बहुत सारे, बहुत सारे कहते हैं इसकी डेथ हुई होगी यहाँ पे, बट अब हम अभी भी यहाँ पे शूट कर रहे हैं वीडियो, एंड रात की बात करें तो अगर रात को आना तो मैं रात को तो नहीं आ सकते यहाँ पे, तो अभी कुछ सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लेते हैं, एंड आई डोंट नो ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है, तो एंड गाइस मैंने अभी ऑडियो एंड वीडियो की क्वालिटी चेक की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, एंड अभी मेरे साथ में चंदन, चंदन नाम है राइट,
चंदन एंड अभी चलते हैं जेल से बाहर। जेल में घुटन सी होने लगी यार, बहुत सारी जेल है, घूमेंगी नहीं बट शॉर्ट ले लेता हूँ मैं अभी। यहाँ पे चलते हैं बाहर अभी, तो बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हम ये छोटे से जेल में हैं, फोकस फोकस फोकस, तभी मैं पूरा ब्लैक हो चुका हूँ यार, क्या बात है। फोकस कर लिया पूरा एंड फोकस, एंड अभी मैं आपको घुमाता हूँ पूरा जेल, जेल कैसी है, किला कैसा है, एंड शुरू करते हैं वीडियो की यहीं पे। एंड अभी स्टार्ट हो रही है जो मेन वीडियो सिनेमैटिक शॉट्स अगर आपने देखा। अभी मैं पूरा घुमाता हूँ आपको ये किला, एंड किले के उधर है एक गंदा सा नाला, अब वो नाले को मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो यार ये किला जो हूबहू ताजमहल जैसा, बट यहाँ पर ना ताजमहल है ना ही अच्छा सा कोई सरोवर है, मीन्स की है नाला है एंड यहाँ पे जेल है, कुछ बनते नहीं है यहाँ पे कोई बात, एंड बस जेल है, घुमाते हैं जेल अभी। एंड गाइस अभी इधर की जो जेल वगैरह ये कुछ टूटी फूटी से, एंड ये हो गई है ख़राब, मीन्स की इसके आगे जो गुंबद सा बनाता था ये टूट गया है, एंड पता नहीं टूटा या फिर टूटा होगा, बट इन सब जेलों में बहुत सारी डेथ वगैरह हुई है। एंड मेरे आसपास अभी आप ये सब जो देख रहे हो ये सब जेल वगैरह है, एंड ये आप जहाँ तक देख रहे हो ये सब जेल है, एंड कितना मीन्स की वो आप देख रहे हो उधर जो है वो सब जेल है। अभी हम वहाँ पे जाएंगे, उसके पीछे जो है गंदा नाला है वहाँ पे भी चलते हैं, एंड ये पार्क वगैरह बना है ये काफ़ी अच्छा सा है, एंड चलते हैं यार उधर। ऐसे ऐसे जेल जो है, एंड अभी उधर चलते हैं, जेल जो है उधर भी बहुत सारी, अभी ऐसे ऐसे चलते हैं उधर देखते हैं कितनी सारी जेलें हैं, बट जेल तो बहुत सारी है, अभी गिनती तो मैं कर नहीं सकता, पर पूछते हैं जेल कितनी है। एंड अगर मैं बता दूँ यार, अगर आप घूमना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे घूम सकते हो, जो कपूरथले में स्पेशल है, कपूरथले वाले घूमना चाहते तो घूम सकते हैं यार। कितने लोगों को यार पता नहीं होता है इस ऐसे जगहों के बारे में, ये जगह भी काफ़ी अच्छी सी। मैं जब आया था इधर पर एक पेड़ से होगा उस पर मैंने अपना नाम लिखा था, एंड अभी पता नहीं वो पेड़ कौन है, अभी मैं जाके उसको ढूंढूंगा फिर दिखाता हूँ आपको कि मैंने अपना नाम कहाँ लिखा था। ऐसा होता है कई पेड़ पे हम अपना नाम लिख देते हैं तो वो कुछ फूल सा जाता है वहाँ पे, मोटा सा जाता है। अभी चलते हैं देखते हैं वहाँ पे है वो पेड़ या फिर नहीं है। वो पपीते खाड़े अभी यार पके नहीं है, इतने बड़े बड़े हैं, कोई बात नहीं आगे चलते हैं। चलते हैं अभी हम बाहर की तरफ, देखते हैं क्या नज़ारा है इस कंधे से नाले का। एंड गाइस मैं अभी उस तरफ से एंड उधर होते 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 ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे आ गया, बट यहाँ से हमने जाना था बाहर की तरफ, बाहर जो है गंदा सा नाला है उससे हमने देखना था, बट जैसे गेट खुला था हम जैसे ही अंदर गए उसने मेरी आवाज़ सुनी और गेट कर दिया बंद। इसकी बार जो नाला उड़नी इस तरफ से, एंड चल के मैं आपको दिखाऊँगा असल में वो नाला कौन सा है जो जहाँ से जाना इतना मुश्किल से, एंड उस तरफ से जाएंगे, मेन रोड तो नहीं है बट कच्चा सा रोड है, एंड वहाँ से जाएंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, जितनी मुझको नॉलेज है कोई यहाँ पे बताने वाला ऐसा मिला नहीं कि जो कि मुझे बताए इसके बारे में, एंड जितना मुझे मैं पता है मैं आपको भी बताता हूँ। एंड गाइस मैं आपको बताता हूँ इस किले के बारे में, ये जब मैं इतना टाइम से बोल रहा था यार ये किला किला, मैं पहले बोल रहा था उसको हवेली, मुझे पता नहीं था कि इसको किला कहते हैं, एंड ये एक हवेली बोल रहा था मैं, बट ये है किला किला जो कि एक जहांगीर था, जहांगीर कोई था एंड उसका किला था, अपने साथ पड़ा हुआ कि नहीं। एंड आप अगर सर्च करोगे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह मिल जाएगी, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो वीडियो मिलेगी, एंड अगर आप गूगल वगैरह पर सर्च करते हो तो आपको कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, एंड या कि कुछ इमेजेस वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। एंड बस ये था यार जहांगीर का किला, एंड कुछ इसके बारे में हमको पता नहीं था, एंड ना कोई बताने वाला था ही नहीं यार, क्योंकि किससे पूछिए, हम कुछ से बंदे थे बट थोड़ा सा डर भी लग रहा था यार कहीं से पूछे, तो मैंने बस गूगल बाबू से पूछ लिया आराम से, एंड उन्होंने बता दिया कि ये जहांगीर का किला था, इतना पता लग गया जहांगीर का किला था, बस जहांगीर का किला है एंड बाकी सब कुछ ऐसा है यहाँ पे। बस मुझे तो ऐसा लगता है यार कि यहाँ पे जो कैदीस वगैरह होते हैं ना तो वहाँ यहाँ पर उनको बंद करके रखते होंगे, जो बदमाशी वगैरह करते होंगे, भाई बदमाशी करते हो तो यहाँ पे आते होंगे पहले पहले। तो गाइज बस थोड़ी सी है व्लॉगिंग, थोड़ी जोर रहेगी एंड बस व्लॉगिंग खत्म होने वाली है। अभी दो चीज़ रहेगी घूमने के लिए, एक वहाँ पे एंड की फोकस नहीं करा कैमरा, अभी मैं टैप करता हूँ
शायद कैमरे में नहीं दिख रहा, अभी एक वहाँ पे है कुआं सा, कुआं के सामने एक और है, इस कैमरे में नहीं दिख रहा है। एंड वहाँ भी चलेंगे, देखते हैं थोड़ा सा घूमते हैं वहाँ पे क्या है। एंड काफ़ी टाइम हो गया यहीं पर बैठे हुए, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। उससे पहले बताऊंगी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैंने भी शुरू में बोला था प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन को जरूर करना ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको सबसे पहले मिल जाए, और शेयर कर दो जहाँ तक होता है। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लग रही है, अगर कमेंट करके बताओगे वीडियो अच्छी लग रही है या फिर नहीं, उसके हिसाब से मुझे भी थोड़ी सी वो मिलेगी ना अंदर से कि हाँ भी वीडियो आपको अच्छी लग रही है एंड मैं और भी वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ। एंड अभी चलते हैं उस कुएं के पास एंड देखते हैं क्या उस कुएं में कौन कौन है उस कुएं के अंदर। देख लो यार कुएं में आके देखते हैं कुएं के अंदर क्या है। ओ बत्ते, ये देख लो कुएं के अंदर क्या है, कुछ नहीं। जेल है ना वो प्रोफेशनल जेल है, मीन्स की तीन जेल है सब मिक्स है, इसमें कुछ जो बड़े कैदी होते हैं बदमाश बड़े वाले वो होते होंगे यहाँ पे आई शो, मुझे ऐसा लगता है। एंड क्या अंदर तो जा नहीं सकते, अंदर जाके मैं अभी दिखाता हूँ क्या अंदर। कौन सी जेल, बीच में गेट है दोनों तरफ है, खिड़कियाँ सी, कौन सी जेल होगी यार। अब बंदा तो जा नहीं सकता टफ के, इसलिए मैं यही से दिखाता हूँ कैमरे से, तो देख लो कैसी है। एंड अंदर कबूतर है यार, क्या बात है, ये कबूतरों की जेल है। काफी अच्छा किला यार, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फोर्ट, आके घूमो यार। मैं तो बोल रहा हूँ आके यहाँ पे घूम के देखो कितना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है यार यहाँ पे। एंड काफी अच्छा बता नहीं सकता यार। मेरी तरफ से 10 में से 10 नंबर, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे। एंड मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, कुछ लोग घूम रहे हैं आसपास। अब यार घूम के क्या जाएंगे, मैंने सोचा इससे टप जाते हैं। ये मैं उतर गया यहाँ पे, एंड गाइज अभी तक की आपको वीडियो ये सब कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ। एंड अगर कमेंट करके बताओगे तो मुझे थोड़ा हौसला से मिलेगा कि अभी आपको अच्छी लग रही वीडियो, मैं मेरे को बनाना चाहिए, जिससे कि यार मुझे ऐसी होगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बनाना चाहिए। कमेंट करके बताओगे कैसी लग रही है, फिर भी मैं यार समझ पाऊँगा कि कैसी वीडियो आपको लग रही है, इतने बंदे देख रहे हैं। एंड जो टेक वीडियोस थी वो मैं शायद अब खत्म कर दूँ, शायद ब्लॉग ही ब्लॉग चले, क्योंकि टेक में ऐसा मैं घर में बैठ कर बनाता था, एंड ब्लॉग में ऐसा कि मैं आपको घूम के बताऊँगा। आप घूमने की चीज़ें आप देखना पसंद करोगे, टेक वाली जो है बहुत कम सी होगी। एंड मैं शायद ब्लॉग 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 बनाऊँ, ब्लॉग तब बनाऊँगा जब 1K या 2K सब्सक्राइबर्स हो जाएँ, जिससे कि मैं ये लोकल ब्लॉग छोड़ के फिर कोई टूर वगैरह पकड़ेंगे। एंड अभी तक सब्सक्राइबर इतने नहीं है कि मैं अभी कोई टूर पे जाऊँ, एंड अगर सब्सक्राइबर जैसे आ जाते हैं फिर मैं शायद बड़ी बड़ी जगहों पर घूमने जाया करूँगा। अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए मैं अभी जो हमारा जो लोकल है कहीं पर घूमने वाला, मैं वहीं पर आपको अभी तक बता रहा हूँ। अगर आपको लग रही वीडियो अच्छी तो शेयर करो, एंड अपने फ्रेंड्स को सबको बता दो यार सब्सक्राइब कर लो, एंड घूमोगे यार पूरा पंजाब घूमोगे, एंड मैं घुमाऊँगा अगर सब्सक्राइबर मिलेंगे तब। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एक बात और यार, अगर सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन आता है, उस बेल वाले आइकन को क्लिक करो ताकि जो मेरी सबसे पहले वीडियो आ रही है, जो नवी वीडियोज़ आ रही है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप फटाक से देखो और लाइक करो, कमेंट करो कैसी लगी, शेयर करो, फिर से सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो सबको। एंड अभी लेते हैं, अभी मैंने ले लिया कुछ सिनेमैटिक शॉर्ट्स वगैरह, तो अभी कुछ सिनेमैटिक शॉर्ट्स वगैरह अब देखोगे आप इस वीडियोस के बाद। नहीं, अभी एक शॉट लेंगे हम वो जो नाला से वहाँ से, एंड वो शॉट लेने के बाद फिर आपको इंटरेस्टिंग जो सिनेमैटिक शॉट है वो देखोगे, फुल सिनेमैटिक शॉट। तो बस यार देखते सिनेमैटिक शॉर्ट्स। Thank you.
फिलहाल तो अभी मैंने कुछ ऐसे पौधे भी देखे हैं कि अजीब से पता नहीं कौन से इसके नाम पता नहीं कौन से नाम है यार, अभी दिखाता हूँ कौन से वो पौधे जो मैंने अभी देखे, पौधे मीन्स की बूटे, बूटे मीन्स के पौधे देखते हैं कौन से पौधे हैं। ये सिंपल सा है एंड इसका पता नहीं ये कौन सा, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा एंड ये तो आपको पता ही है कटीला कटीला, एंड ये वाला देखो कितना अच्छा सा है एंड इसका भी आपको पता होगा एंड इसका भी पता होगा एंड इसका भी पता होगा, बाकी ये सब है। एंड गाइस अभी चलते हैं हम घर की तरफ एंड गेट से बाहर निकलते हैं। अभी हम यहाँ पर लेंगे एक पोस्टर जो कि आप थंबनेल पे देखोगे, अभी पोस्टर लेते हैं यहाँ पे एंड काफ़ी तगड़ी से धूप है, स्कूटर हमारे यहीं पे है एंड अभी हम यहाँ पे एक शॉट लेते हैं जो कि आप थंबनेल पे देखोगे। ना तो आप चलते हैं यार थोड़ा उधर जिधर हमको जाना चाहिए था, अभी चलते हैं उधर। अभी यार स्पेशल ड्राइव चंदन कर रहा है क्योंकि मेरे को अभी ब्लॉग थोड़ा सा बनाना है। ये किले के पीछे वाला हिस्सा जो कि हमको आने ही नहीं दिया एंड ये जो हवेली, हवेली के पीछे जो ये है काली मिट्टी वाली नहर में कचड़े वाली नाली, यहाँ पे देखो कितना पतला सा है, फूल सा बना हुआ है एंड शायद इस पर हम लोग जाए ना थोड़ा सा आगे। एंड ये देखो यार ये वो पुल है जिसपे से सिर्फ एक स्कूटी जा सकती है बट हम लोग इस पर जा नहीं, हमने रिक्स नहीं लेना यार, क्या पता अगर अंदर चले गए तो क्या हाल होगा हमारा। एंड इस पर हम जाने नहीं वाले, बस मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैं यहाँ पे आया। अब चलते हैं हम घर की तरफ। एंड गाइस ये पीछे का हिसाब देख सकते हैं, काफ़ी मशहूर सा किला था ये एरिया काफ़ी किसी ज़माने में। Can come as close as you when you hear the wind blows, but through this unstoppable storm of love remains, it drives me insane. I feel we got so far and on and on we'll go through the wastelands, through the highways and on.